मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हूँ जनाब स्पीकर। मेरे दोस्त ने तफसील से बातें की और वजीर मौसूफ ने जो बात की, बिल्कुल ये जो बयान कर रहा है उसका कोई हकीकत है नहीं, ना कोई डेवलपमेंट के काम हो रहे। और जनाब स्पीकर, फेडरल जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके वफाकी हकूमत ने 8 अरब रुपए इनको दिए, इनसे वो खर्च नहीं हो रहे। वो आज भी इनके ऑफिस से लेटर लिखा गया है कि ये खर्च नहीं हो रहे, जून सर पे आ गया। ये क्या बात कर रहे हैं कि हम जो है ना इतनी हमने गुड गवर्नेंस लाई है। जनाब स्पीकर, आपके यूनिवर्सिटीज के पूरे सूबे के यूनिवर्सिटीज, बिलखसूस बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के असाजा, एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, वो हड़ताल पर है। उनका पूरा जो है वो, उनके पास तनख्वाहें नहीं है, बेनोलन फंड नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, पेंशन नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? आप जो है ना वो उनका जो एक्ट है जो 1996 में इस असेंबली से बड़े बहस के बाद पास हुआ, आप जो है ना उस एक्ट को तब्दील कर रहे हो। एक मॉडल एक्ट जो जनरल मुशर्रफ लाना चाह रहा था उसको आप ला रहे हो। आपकी कार्यकर्दगी ये जनाब चेयरमैन, ये वैसे बातें करें, आसमान में बातें हो रही है, जमीन पे कुछ नजर नहीं आ रहा। जमीन पे महंगाई है, जमीन पे जो है ना अफरा तफरी है, जमीन पे जो है ना मुसलब ग्रुप है, जमीन पे जो है ना लोग जा करके लोगों के घरों में घुसते हैं, वहां पर कब्जा हो रहा है, जमीन पे बम धमाके हैं। अभी ये किलीशाबों में अजी शाहजान तरीन के घर पर मुसलह लोग गए, हालांकि उनका अपना जाती मसला है, वहां लोग गए और वहां पर उन्होंने जो है ना धमकियां दी कलाशिंकोर समेत। ये आपका क्विटा शहर है किलीशाबों में, ये जमीन पे ये हो रहा है जनाब स्पीकर। वैसे ये करें आसमान में बातें, बड़े खुश हैं, इनको जो है ना ये करे जाए, आवाम के पास जाए, इनको पता चल जाएगा कि इनकी हुकूमत कहां पर है। शुक्रिया सेक्रेटरी असेंबली, रुख्सत की दरखास्त पड़ी।